क्या कुछ मामला है? देखिए, ताजगंज क्षेत्र में एक सूचना पर पुलिस एक बिल्डिंग में आई है यहाँ पे, और जहाँ पे एक थाई महिला का शव मिला है, उसके मुंह से खून भी बह रहा है और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ी हुई है। फॉरेंसिक की FSL की टीम को हमने यहाँ पे बुला लिया है ताकि जो भी सीन है यहाँ का उसको कवर पूरा मैनेज करके जो भी है एविडेंसेस वगैरह इसमें से कलेक्ट किए जाएंगे। सुसाइड नोट से आपको मालूम पड़ा क्या लिखा? सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि पैसे की कमी के अभाव में और परिवार यहाँ पे उसका नहीं रहता है, तो सारी चीज़ों का उसने उसमें लिखी हुई है चीज़ें, और अभी इस पे पूरी तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद ही कुछ बातचीत की जाएगी। क्या कुछ मामला है? देखिए, ताजगंज क्षेत्र में एक सूचना पर पुलिस एक बिल्डिंग में आई है यहाँ पे, और जहाँ पे एक थाई महिला का शव मिला है, उसके मुंह से खून भी बह रहा है और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ी हुई है। फॉरेंसिक की FSL की टीम को हमने यहाँ पे बुला लिया है ताकि जो भी सीन है यहाँ का उसको कवर पूरा मैनेज करके जो भी है एविडेंसेस वगैरह इसमें से कलेक्ट किए जाएंगे। सुसाइड नोट से आपको मालूम पड़ा क्या लिखा? सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि पैसे की कमी के अभाव में और परिवार यहाँ पे उसका नहीं रहता है, तो सारी चीज़ों का उसने उसमें लिखी हुई है चीज़ें, और अभी इस पे पूरी तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद ही कुछ बातचीत की जाएगी।